लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी सैनिकों द्वारा कायराना हमला हुआ, जिसके बाद पूरे भारत के साथ सिंगरौली जिले में भी लोगों में आक्रोश है। शिवसेना जिला इकाई के प्रमुख बीके श्रीवास्तव व बीएन त्रिपाठी रीवा संभाग प्रवक्ता के साथ ही शिवसेना के सैकड़ों कार्यकर्ताओं द्वारा वीढ़न रामलीला मैदान स्थित अम्बेडकर चौक पर भारत माता की जय शिवाजी जिंदाबाद करते हुए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला दहन कर आक्रोश जताया व चीनी सामानों की होली चलाई गई। बीएन त्रिपाठी ने कहा कि देश के साथ ही सिंगरौली जिले के सभी लोगों को चीनी सामानों का बहिष्कार करना चाहिए। हम लोग जो चीनी सामान खरीदते हैं उसी पैसे से हमारा दुश्मन चीन हमारे ही सैनिकों पर हमला करता है, हमारे ही देश की जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश करता है। बीएन त्रिपाठी ने कहा कि हम लोगों का आज चीन के राष्ट्रपति का पुतला दहन किया गया है, चीनी सामानों का भी हम लोगों ने होली चलाई है। देशवासियों को जागरूक होना चाहिए, अपने देश की बनी हुई चीजों को खरीदना चाहिए, जिससे हमारा पैसा हमारे देश के काम आए। इकाई सिंगरौली के समस्त अनुसांगिक संगठन की उपस्थिति में मैं बीएन त्रिपाठी शिवसेना रीवा संभाग प्रवक्ता, चीन के राष्ट्रपति का पुतला दहन किया गया, चीन के द्वारा जैसे कारनामा हरकत भारत के साथ किया जा रहा है उसी के आलोक में आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। समस्त भारतवासियों से मेरा संदेश है, मेरा निवेदन है, शिवसेना जिला इकाई सिंगरौली का समस्त अनुसांगिक संगठन का निवेदन है कि चीन के सामान का बहिष्कार करें और भारत में बनी वस्तुओं का उपयोग करें। इसी के तारतम्य में आज समस्त पदाधिकारी अंबेडकर चौक में उपस्थित होकर के चीन के जितने भी बने सामान हैं उनकी होली जलाई जा रही है और आज यह संदेश शिवसेना यह संदेश दे रही है कि समस्त भारतवासी जागरूक हों, समस्त भारत के एक एक जन जन जागरूक हों कि चीन वस्तुओं के विरोध में आगे आएं और चीनी वस्तुओं का उपयोग न करें। देश में उपस्थित ही जितनी ही वस्तुएं उपयोग में हैं उन्हीं का उपयोग करें। इसी आशा विश्वास के साथ आज समस्त एकत्रित होकर के होली दहन की गई और शिवसेना आगे भी यह संदेश देती रही होगी। जय हिंद, जय भारत। सिंगरौली से संवाददाता देव प्रकाश त्रिवेदी की रिपोर्ट।